नमस्कार, मैं रानी सिंह, ई पेपर इंडिया में आपका स्वागत है। 24 जुलाई का दिन बेहद अहम है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 24 जुलाई को एक बेहद बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी के समीप आएगा। नासा की चेतावनी के मुताबिक यह उल्का पिंड आकार में बेहद बड़ा और संभवतः खतरनाक होगा। आइए देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। खगोल जगत के लिए 24 जुलाई का दिन बेहद अहम है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 24 जुलाई को एक बेहद बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी के समीप आएगा। नासा की चेतावनी के मुताबिक यह उल्का पिंड आकार में बेहद बड़ा और संभवतः खतरनाक होगा। जानकारी के मुताबिक यह उल्का पिंड लंदन के प्रसिद्ध लैंडमार्क और पर्यटक स्थल लंदन आई से भी बड़ा होगा। बता दें कि लंदन आई की ऊंचाई 443 फीट है। पृथ्वी के पास से गुजरने वाला उल्का पिंड लंदन आई से आकार में 50% बड़ा हो सकता है। 24 जुलाई को पृथ्वी के पास से आने वाले इस उल्का पिंड को एस्ट्रॉइड 220 एनडी नाम दिया गया है। यह आकार में 170 मीटर बड़ा होगा। यह उल्का पिंड जिस वक्त पृथ्वी के पास से गुजरेगा उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी ग्रह की 0.034 AU की रेंज के अंदर तक आएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, यानी कि जितनी दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच है। नासा के मुताबिक संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह को उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो पृथ्वी के करीब आने के लिए क्षुद्रग्रह की क्षमता को मानते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि अक्सर धरती के पास से ऐसे उल्का गुजरते रहते हैं। कुछ उल्का काफ़ी छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े उल्का कभी कभी आते हैं। आपको बता दें, वैसे तो उल्का के रास्ता बदलने की संभावना कम ही होती है, लेकिन अगर जरा सा भी रास्ता बदला या फिर धरती के गुरुत्वाकर्षण ने उल्का को आकर्षित किया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इस उल्का पर नजर रखे हुए हैं। देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।